शांति। नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे शो 3D हेल्थ केयर में, जहां हम बात कर रहे हैं सर्वांगीण स्वास्थ्य की, कि कैसे हम अपने खुद जागरूक होकर, हम आत्मनिर्भर होकर अपने हेल्थ को सुधारें, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिए और एक बहुत ही बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाएं। पर इसके लिए मित्रों जरूरी होगा कि हम अपने मन को समझें, उसकी गतिविधियों को समझें। तो आज इसकी पर हमारी चर्चा होगी और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। तो आइए शो में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, कल हमने बात की थी कि हम ये जो कन्फ्यूजन हम लेके हमेशा चलते आए हैं कि दिल क्या है, हार्ट क्या है, इसको आपने कल हमारे लिए बहुत ही आसानी से खोला, वो रहस्य खोला। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी एक और कन्फ्यूजन जो अक्सर हम फील करते हैं कि आफ्टर ऑल मन और मस्तिष्क, ये दोनों क्या चीज़ है, आप थोड़ा हमें खुल के बताएं। जो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक फिजिकल ऑर्गन है, स्थूल, जिसको आप देख सकते हैं ना स्कल के अंदर, ये जैसे खोपड़ी कहते हैं, इसके अंदर आप खोल के देख सकते हैं कि ये, इसका वजन लगभग 1200 ग्राम के आसपास होता है। ओके। और इसमें दो पार्ट हैं, हायर ब्रेन और लोअर ब्रेन, ऊपर वाला मस्तिष्क और नीचे का एक मस्तिष्क जो रीढ़ की हड्डी से होता है, नीचे जाता है। ओके। तो वो जो है ये मस्तिष्क दो पार्ट्स हैं। और जो ये ब्रेन है इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 अरब नर्व कोशिकाओं से बना हुआ है। ओके। तो ये जो है फिजिकल है, इसको हम देख सकते हैं, इसमें ट्यूमर हो सकता है, इसमें पस पड़ सकती है, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको मतलब हम यहाँ से स्किन काट के और ट्यूमर को, हाँ चोट भी लगती है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो उस ब्लड को हम ड्रेन कर सकते हैं, होल करके ड्रेन कर सकते हैं, और अंदर ट्यूमर है तो उसको काट के बाहर निकाल सकते हैं, पस को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम कर देख सकते हैं, फिजिकली हम देख सकते हैं, हाथ में पकड़ के देख सकते हैं, इसका वजन भी है। और मन जो है, मन क्या है, ये तो फिजिकल है, स्थूल है, जिसको हम देख सकते हैं, इसके अंदर पाव, इसके वजन है। तो मन जो है, मन नॉन फिजिकल है, वो देखने की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते ये देखो मेरा मन है, या किसी का मन निकाल के हम देख लें, ऐसा नहीं कर सकते। मन जो है, जैसे वो अगर हार्डवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, तो मन सॉफ्टवेयर है। ओके। मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं, उनको एक्सप्रेस हम मन के, ब्रेन के थ्रू करते हैं, मस्तिष्क के थ्रू करते हैं, राइट। तो पर कहते हैं मन का वजन, ब्रेन का वजन जो है 1200 ग्राम है, तो मन का कितना वजन होता है। कई लोग कहते हैं ना कि मन का वजन कोई वजन नहीं है, मन तो दिखाई नहीं देता, फिजिकल नहीं है तो वजन नहीं होना चाहिए, नहीं कर सकते। पर ऐसा बहुत सारे लोग सुनने में आता है, कई बार हम लोग भी कहते हैं, कह देते हैं आज मेरा मन बहुत भारी है, आज मेरा मन इतना भारी है कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता। कई बार हम ये भी कहते हैं आज मेरा मन इतना हल्का हो गया है कि ऐसा लग रहा है मैं उड़ रही, हवा में उड़ रहे हैं, राइट। तो भारी कब होता है, हल्का कब होता है, तो जब थॉट्स बहुत चलेंगे तब मुझे फील होगा कि मैं बहुत भारी हो गई हूँ, या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलते हैं तो, और अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ, पॉजिटिव हूँ, खुश हूँ, तो आई विल फील के बस आई एम फ्लाइंग। तो चलिए, मन क्या है, जैसे मैंने कहा ब्रेन के हमारे दो पार्ट्स हैं, हायर ब्रेन और लेफ्ट लोअर ब्रेन। मन का, मन के क्या, मन कोई फिजिकल तो है नहीं, इसके पार्ट भी नहीं है। अच्छा, मन के चार एस्पेक्ट हैं, उसको हम कह सकते हैं, जैसे हम टीम कहते हैं शब्द, टीम, टी फॉर थॉट्स, टी फॉर थॉट्स, राइट, टी फॉर थॉट्स, थॉट्स मीन्स संकल्प, विचार जी, और ई फॉर इमोशंस, जो ई जो है मतलब जो इमोशंस मीन्स भावनाएं, और ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण, और एम फॉर मेमोरीज, थॉट, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरीज। मेमोरीज जो है उसमें, उसको हम हिंदी में कहते हैं स्मृति भी कहते हैं, यादें भी कहते हैं, राइट। तो ये जो है टीम हमारा, मन में चार एस्पेक्ट हैं, और चारों ही चारों चीज़ें, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, आपस में कनेक्टेड है। थॉट्स और इमोशंस में क्या फ़र्क है, जब हम कोई थॉट इंटेंसली करते हैं, गहराई से करते हैं, तो इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, बहुत गहराई से हम कुछ सोच रहे हैं, कोई बहुत गहराई से कर रहे हैं, जैसे सपोज कोई व्यक्ति मुझे मिला, उसने मुझे कुछ मिला, उसने मुझे कुछ एक्सप्रेशन दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर मिला, या अगले दिन फिर मिला, तीसरे दिन फिर मिला, चौथे दिन फिर मिला, तो मुझे मन में बार बार विचार आएगा ना, और बहुत मतलब एक्सप्रेस करता है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। ओके। तो मेरे मन में उसके प्रति क्या होगा, एक वो भावना में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इमोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई थॉट हम बार बार और गहराई से करते हैं, तो हमारा वो भावना बन जाती है। कोई भी थॉट अगर इंटेंस हो रही है तो वो इमोशन हो जाता है, वो इमोशन हो जाती है। जैसे कोई हमने से एक थॉट एक बिंदु है, किंतु जब हमने
उस बिंदु, हमने कई बिंदु लगा दिए, 5-6 बिंदु हो गए, तो इसे कॉनकेव हो गया ना, लेंस जैसे हो गया, राइट। अब वो व्यक्ति भी मेरे बारे में बार बार सोच रहा है, ओके, तो उसका भी भावना हो गई। जैसे एक माँ और बच्चा है, एक माँ एक बच्चे के बारे सोच रही है, बार बार इंटेंसली सोच रही है, ऐसे बच्चा माँ के बारे इंटेंसली सोच रहा है, भले डिस्टेंस वो 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर पे रहते हैं, माँ जो है माउंट आबू रहती है, बच्चा US में रहता है, कैलिफोर्निया में रहता है, तो वहाँ रह के भी जो दो विचार करते हैं, टेलीफोन आया, कोई बात हुई, तो इसे टेलीपैथी होगी ना, वाइब्रेशंस, तो 20,000 किलोमीटर के बीच में वाइब्रेशंस फ्लो कर रहे हैं, राइट। तो मतलब दोनों के बीच में भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, और जो दोनों के बीच में फ्लो होते हैं, कितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं, तो फिर जो है भावना को, भावना और एटीट्यूड में क्या फर्क है, भावना कब, हमारे इमोशंस कब एटीट्यूड बन जाती हैं, जब हमारी भावना, जब हम कोई बात को, उस भावना को प्रोलोंग कर दें, एटीट्यूड में बदल जाती है, प्रोलोंग कर दें मतलब भाई वृत्ति में बदल जाती है। मान लीजिए कोई भावना, जैसे एक बच्चे की, एक माँ की बच्चे के प्रति भावना है, विचार चला, भावना हुई, 10-15 बार हुआ तो भावना बन गई, और वही बिंदु 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 ऐसे चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, सर्कल कंप्लीट हो गया। पहला बिंदु कौन सा है, दूसरा लास्ट बिंदु कौन सा है, वो तो नहीं पता, पता नहीं लगेगा, क्योंकि बिंदु सब बिंदु हुए, तो एक सर्कल बन गया, वृत्ति, इसे कहेंगे वृत्ति, सर्कल मींस एक लूप बन जाता है, एक वृत्त बन गया ना, हाँ लूप बन गया, इसके आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, तो ये वृत्ति से वायुमंडल बन गया, वातावरण में, अच्छा राइट। तो जैसे अब जो है माँ के चेहरे से बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, उसके इमोशन आप देख सकते हैं, माँ के चेहरे से बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, मतलब वृत्ति, उसकी जो एटीट्यूड है ना, बच्चे का माँ के प्रति या माँ का बच्चे के प्रति, वो जैसे ना वो दिखाई देने लगता, वो दिखाई देने लगता है ना, जैसे उसके द्वारा कहते हैं ना, माँ के द्वारा बच्चा दिखाई देता है, और बच्चे के द्वारा माँ दिखाई देती है, कई बार कहते हैं ना हम लोग कि जैसे बच्चा तो माँ का ही रूप है, ये जैसे माँ है बच्चे को, जैसे ये इसकी माँ जैसे लगती है ना, तो जैसे वो एक्सप्रेस जैसे होने लगता है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे अक्सर प्यार में लवलीन जो कृष्ण और राधे का, राधा जी का जो एग्जांपल देते हैं कि कौन कौन है, बाद में पता ही नहीं चल रहा था, रास करते हो, तो वो चीज शायद, वो चीज हां वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है। मतलब सपोज जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी वृत्ति बनती है ना, जब हमारा वायुमंडल बनता है, उसके असर में आके हम काम करना, एक्शन में आते हैं, ओके, कर्म में आते हैं। नॉर्मली कोई विचार हमारे पास आते हैं तो हम कभी भी कर्म में नहीं आते, ये पूरी स्टेजेस पार करके। मतलब सपोज मेरे मन में एक विचार आया, कोई विचार भी आया, आई डोंट नॉट टेक एक्शन ऑन दैट, राइट। और इमोशन जब इंटेंसली मैंने वो विचार किया, बार बार, तो भावना आ गई, इमोशन हो गई, इमोशन में आने के बाद भी हम लोग अधिकतर काम नहीं करते हैं जी। कुछ लोग इमोशनों के काम, इमोशन में होने से काम कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ये तो बहुत इमोशनल आदमी है, हाँ। उसने सोच समझ के काम नहीं किया, भावना में बह के काम कर दिया, तो इसको इमोशनल आदमी जैसे हम बोलते हैं, तो उसको यूजुअली हम लोग नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, हाँ, मतलब किसी के बारे में बहुत ज्यादा ऐसे इंटेंस थॉट, ऐसे इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पर हम इमोशन को अधिकतर नेगेटिव रूप में ले जाते हैं, मींस बहुत अटैचमेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा उसी के बारे में जैसे बहुत सोच करके, उसमें कहते दिमाग को भी यूज नहीं किया, हां मतलब निर्णय शक्ति नहीं यूज करते, उसको यूज करके नहीं किया, मतलब परख के निर्णय कर, हां जब हमारा, जब हमने उसको बार बार परखा, बार बार देखा है, बार बार वही चीज सर्कल बन गई है, जब एटीट्यूड बन गया है, मतलब आफ्टर एटीट्यूडनल चेंज वी स्टार्ट एक्टिंग, देन ओनली वी एक्ट, देन ओनली वी शुड एक्ट रदर, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर बन जाता है, वो एटमॉस्फेयर हमको काम करने के लिए प्रेरित करता है, कि मैंने काफ़ी उसको देख लिया, ये काम में जो पता है, इस पर कोई नुकसान की बात नहीं है, ही इज़ अ गुड पर्सन, शी इज़ अ गुड पर्सन, आई कैन गो अहेड एंड वी शुड गो अहेड, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कम्स। फिर एक्शन करते हैं, तो एक्शन कर्म करते हैं, कर्म एक बार करते हैं, तो दैट इज़ अ ब्रीफ एक्ट, ब्रीफ एक्ट से इंप्रेशन बन जाता है, राइट। मतलब मेमोरीज, अभी मेमोरीज की बात कर रहा हूँ, मेमोरीज कब बनेंगी, वृत्ति मेमोरी कब बनना नहीं बनेगी, जब हम कर्म करेंगे, कर्म के बगैर तो मेमोरी नहीं बनेगी ना, स्मृति जो कर्म करने के बाद, इन पांचों कर्मेंद्रियों से कुछ कर्म करने के बाद ही वो थॉट्स मेमोरीज बनती है, स्मृति बनेगी, रिकॉर्ड होगा ना, संकल्प रिकॉर्ड नहीं होगा, भावना भी रिकॉर्ड नहीं होगी, और वृत्ति भी रिकॉर्ड नहीं होती है। पांच सेंसेस से कुछ भी हमने किया, मतलब मान लीजिए मैंने इस मतलब शरीर से कुछ भी किया, आंखों से देखा, आंखों से देखना भी है, स्मृति बनी, आंखों से देखा भी, पढ़ा भी, बोला, खाया, सूंघा, जहाँ भी सेंसेस यूज हुए, कान सुना, या कुछ भी हमने हाथ पैर से कुछ किया, तो बॉडी से कुछ भी किया, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट, वो फिर स्मृति बन जाएगी, वो रिकॉर्ड हो गई हमारे लिए। अब एक से दो कॉपी होती है, एक आत्मा में रहती है सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी ब्रेन में रहती है, अच्छा, क्योंकि वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर। फैसिनेटिंग है जानना कि एक्चुअली थॉट्स से हम लोग कैसे एक्शन में आते हैं, पता ही नहीं चलता थॉट्स। तो ये जो है, जब हम एक बार करते हैं, उसे हम ब्रीफ एक्ट कहते हैं, उससे इंप्रेशन बन गया,
जैसे मैंने एक चीज़ कोई आपने कहा कि नहीं ये चीज़ खा के देखिए, तो मैंने खाई तो इम्प्रेशन बन गया। एक बार उस व्यक्ति से मिले, किसी बहुत लोगों ने कहा वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहले भावना पैदा हुई, फिर वृत्ति बन गई, काफ़ी और सुना, काफ़ी उसके लेक्चर सुने, तो अब मैं उससे पहली बार मिलने के लिए गया। और जो पहला मेरा जो उससे एक बार मिला तो मेरा क्या बन गया उसके बारे में इम्प्रेशन बन गया। तो मतलब एक इम्प्रेशन को ऐसे हम ले सकते क्या कि इम्प्रेशन एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, हाँ रिकॉर्ड हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी बन गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी बन गई। अब वही इम्प्रेशन को अगर कोई लोग रीइन्फोर्स कर दें, अभी जी मैं किसी व्यक्ति से मिला और मैं 10 लोगों ने कहा नहीं वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत भगवान जैसे हैं, देवता है, और मेरे को भी अच्छा अनुभव हुआ, तो क्या हो जाएगा मेरा, बस पक्का हो जाएगा, अब मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। ओके, व्हेन इम्प्रेशन इज रीइन्फोर्स्ड बाय many people or people around you, then that becomes a belief system. Right? That is the difference between impression and belief system. जैसे कई बार किसने sneezing, किसको sneeze आ गया और मेरे को कहा नहीं आप नहीं जाओ काम खराब हो जाएगा, ignored it, और मेरा काम खराब हो गया, काम नहीं हुआ, तो मैं वापस आया, रास्ते में मुझे मेरा काम आज तो हुआ ही नहीं, मुझे कहा था ना आपको, तो वो तो ठीक क्या आया तो आपको तो बताया था, आपको तो काम खराब हो जाएगा है ना, तो फिर एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, तो क्या होगा, मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया। पहली बार ऐसा नहीं बिलीफ सिस्टम नहीं था, अभी बिलीफ सिस्टम बन गया, नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा तो आई विल नॉट गो, ऐसे बिलीन रास्ता काटा, शनिवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, बाल नहीं कटवाने, या फला व्यक्ति का चेहरा देखा तो काम खराब हो जाएगा है ना, बैठ जाओ अभी नहीं जाना, बाद में जाना, ऐसे बहुत सारे हमारे फिजिकल बिलीफ्स होते हैं ना, ये फिजिकल बिलीफ्स हैं हमारे, फिजिकल बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, और हमारे साथ कई बार जैसे और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स भी होते हैं, तो फिजिकल इसमें बिलीफ सिस्टम हमारे ज़्यादा है, बिकॉज वी कंसिडर अवरसेल्व्स टू बी फिजिकल बीइंग्स रादर देन स्पिरिचुअल बीइंग्स, इसलिए फिजिकल बिलीफ सिस्टम्स, और जब यही चीज़ हम बार बार करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं, तो हमारे वो हैबिट्स बन जाती हैं, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स बन जाते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है, वो रिकॉर्ड हो जाती है, फिर हमें ऑटोमेटिक वो काम संस्कार जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट बन गए, अब वो हमारी हैबिट बन गई, तो इस तरह से हमारे जो संकल्प भावना में कन्वर्ट होते हैं, भावना वृत्ति में कन्वर्ट होती है, और वृत्ति से भावना से हमारी वाइब्रेशंस बनती हैं, पावर ऑफ वाइब्रेशंस जो हज़ारों मील काम करती हैं, और भावना से फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति से हमारा वायुमंडल बनता है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, सपोज किसी जैसे कोई बहुत ऋषि बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसके कमरे में जाएंगे ना, उसके पास जाएंगे तो हमें जैसे उस कमरे में वाइब्रेशंस होंगे, उस कमरे में क्या होगा, एक वायुमंडल होगा, शांति का, प्यार का, खुशी का, जैसे मंदिर में हम जाते हैं, की फीलिंग आती है, जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो एक बहुत साइलेंस का, जैसे आप बड़े भले परेशान आते हैं बाहर से कि, तो उसमें जाते ही आप शांत हो जाते हैं, आपके मन में कैसे विचार उठ रहे हैं शांत हो जाता है, उस वायुमंडल का असर आने वाले पर भी होता है, वो व्यक्ति जो वहाँ पर उसके अंदर क्या वृत्ति एटीट्यूड है, वो स्पिरिचुअल एटीट्यूड है या फिजिकल एटीट्यूड है। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था कि ऐसा कई बार होता है कि कई लोगों को हम कुछ जानते नहीं पहचानते नहीं, बट पहली बार मिले और कुछ अजीब अनकंफर्ट सी फीलिंग आती है, और कई बार ऐसा ही होता है कि मतलब हम कुछ नहीं है फिर भी अच्छे लगते अच्छा हैं, शायद इसके पीछे जो इसके पीछे यही और ऐसा बन जाना, या एक आभा मंडल, प्रभा मंडल जिसे कहते हैं, ये प्रभा मंडल का निर्माण हमारे वृत्ति से होता है। ओके, हमारे एटीट्यूड से होता है, जैसे मतलब वो वृत्ति जैसे हमें दूसरे मतलब उसमें आकर के जैसे उसमें आते हैं हम अपना कंट्रोल लूज कर लेते हैं, जैसे आप शांतिवन में जैसे आते हैं, ब्रह्मपारिस कॉम्प्लेक्स में परिसर में आते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि हमारे हमारा मन एकदम शांत हो गया, शांत हो गया, मधुबन में जाते हैं शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें एफर्ट नहीं करते, हालांकि बाहर बहुत गुस्सा करते हैं, बाहर बहुत हर तरह के उनके विकार होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, तो अंदर आते ही उनको कभी दिल नहीं करता कि हम यहाँ स्मोकिंग करें, शराब पिएं, कोई भी गलत चीज़ करें, बोलने को भी दिल नहीं करता, शांत हो जाते हैं। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने उनकी जो वृत्ति है एटीट्यूड आने वालों के प्रति वो स्पिरिचुअल है कि हमारे आत्मा रूप में हमारे भाई भाई हैं, तो सबके प्रति वो एटीट्यूड से वो रखते हैं, तो उनका एक वायुमंडल सबका कन्फ्लुएंस हो जाता है, सबका ऑरा, तो उससे जो एक सारा वातावरण जैसे शांतिवन का, मधुबन का, या जो भी जैसे और भी स्थान है दुनिया में जहाँ पर वो शांति की फीलिंग आती है, तो इसका मतलब हम लोग जो भी सोच रहे हैं वो हमारे जो इमीडिएट सराउंडिंग्स है उसमें वो फैल रही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम घर गए, कुछ वहाँ पर कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, सब शांत है, फिर भी हम लोग को जाने के
तुरंत फील होता है कुछ हुआ है, क्या होता है ना, झगड़ा हुआ है कि हम जैसे घरों में होता है ना, घरों में अगर हम दोनों के बीच पति पत्नी की लड़ाई होती है, बच्चे लड़ते हैं, तो घर में जाते ही सेंस हो जाता है कि आज कुछ टेंशन प्रॉब्लम है, है ना, वायुमंडल है ना उसका वृत्ति, जो आज घर में कैसी वृत्ति है आज घर के मेंबर्स की, सब अच्छे हैं, सब प्यार से रहते हैं कुछ, तो घर का वातावरण स्वर्ग जैसा लगता है और नहीं तो वो नरक जैसा लगता है ना। तो डॉक्टर साहब वही आप मुझे, मैं रिलेट कर पा रही हूँ, आप लास्ट एपिसोड में बता रहे थे कि हम एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग है और वो आत्मा जो है वो ही एक्चुअली रेडिएट कर रही है सारी एनर्जीज, तो जो हम सोच रहे हैं वो उसका जो इफेक्ट है पूरी हमारी सराउंडिंग्स पे पड़ रहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान दें। ये बहुत हमारी सोच कहते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, जो हम देखते हैं वो ऐसा ही बन जाते हैं, तो ये हमारा इफेक्ट है ना, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी सोच के ऊपर। वही सोच गहराई से कर लिया तो भावना में कन्वर्ट हो गया, उससे टेलीपैथी वाइब्रेशन शुरू हो गए, वही और बार बार कर लिया, प्रोलॉन्ग कर लिया, कई दिन कई महीने कर लिया, तो हमारी एटीट्यूड चेंज हो गया, एटीट्यूडनल चेंज आ गया, उससे वायुमंडल बन गया। एक बार वायुमंडल बन गया फिर आपको कर्म करेंगे ही, एक बार अगर वायुमंडल बना लिया, वृत्ति बना ली, एटीट्यूड चेंज हो गया, फिर तो आपको कर्म उसके परवश हो जाएंगे ना, फिर आप ब्रीफ करेंगे तो इंप्रेशन, अगर रीइंफोर्स हो जाएगा तो कई लोग उसे बिलीफ सिस्टम वो कर देंगे, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, और फिर जो बार बार करेंगे तो आदत बन जाएगी, और आदत बनने के बाद तो परवश हो गए पूरा ही। एक बार स्मोकिंग की आदत पड़ गई, एक बार पहली बार स्मोक किया आपने, इंप्रेशन लिया, फिर दो चार लोगों ने कहा नहीं स्मोकिंग से नुकसान कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा कभी कभी शौकिया कर लेनी चाहिए घर जाने, और अच्छा भी लगता है, पी करके थोड़ा रिलीफ लगता है, थोड़ा सा ब्रेन पे स्ट्रेस कम हो गई, तो बस अभी जैसे स्ट्रेस होती है जब भी हम पी लेते हैं, फिर ऐसे पीते 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 आदत पड़ जाती है, शराब की आदत ऐसे ही पड़ती है, ऐसी कोई चीज़ गलत खाने की, सपोज आपको रोज स्वीट डिश खाने की आदत पड़ गई, तो आदत पड़ गई, आपको थोड़ी सी बात हुई काम नहीं कर रहे, लोग गुस्सा करना, गुस्सा किया काम थोड़ा हो गया, आपको लगा बिना गुस्से काम होगा ही नहीं, अब गुस्सा करने की आदत पड़ गई। तो डॉक्टर साहब ये जो आदत हमारी पड़ जाती है, ठीक है, आपने जो बताया इन्फॉर्मेशन दी उससे अब समझ में आ रहा है कि थॉट कौन से क्रिएट करने हैं ताकि वो कर्म तक ना पहुंचे, पर जो आदतें हमने क्रिएट कर दी है, हाँ जी, अब उसको हम कैसे ठीक करें? हाँ नहीं, उसके लिए हम लोग उसमें सारा डिटेल में हम जाना पड़ेगा, बिकॉज वही फिर अब जैसे थॉट हमारे किस पे बेस्ड है, हमारे थॉट ये आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है, बॉडी कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है, मैं बॉडी हूँ, अपने को बॉडी देखता हूँ, दूसरे को बॉडी देखता हूँ, तो इस पे बेस्ड है ना, अगर इस वाले थॉट्स करेंगे तो हमारे एंगर आएगा, हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, हमें अनस्टेबल फील करेंगे, इससे फिर हमारे अंदर ये विकार आएंगे, जैसे क्रोध का आएगा, लोभ का आएगा, मोह का आएगा, अहंकार का आएगा, आदतें पड़ेंगी ना, मोह की आदत पड़ जाएगी, ईगो में रहने की आदत पड़ जाएगी, हमें मोह करने की आदत पड़ जाएगी, है ना, क्रोध करने की आदत पड़ जाएगी, अटैचमेंट बहुत हो जाएगा लोगों के साथ, तो इस तरह से हमें चिंता करने की आदत पड़ जाएगी, भय डरने की आदत पड़ जाएगी। ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन हमारा हुआ आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस से। इसकी वजह अगर हम इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं, जो कॉन्सेप्ट है 3D हेल्थ केयर का प्रोग्राम का, तो क्या होगा? तो शांति, प्रेम, खुशी आएगी, तो नेचुरली वो शांति, प्रेम, खुशी की जो फिर हमारी आदत पड़ जाएगी, मतलब वो फिर हमारा वही एटीट्यूड हमारे आसपास, जैसे एक तो एंगर का ऑरा बन गया, एंगर वाला वायुमंडल बन गया, चिंता वाला वायुमंडल, डर वाला वायुमंडल बन गया, और इसकी बजाय क्या हो जाए, शांति वाला वायुमंडल बन जाएगा, प्यार वाला वायुमंडल बन जाएगा, खुशी वाला वायुमंडल बन जाएगा। जैसा आप सोचेंगे ना, जैसा मैं अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करता हूँ, तो फिर वैसा वायुमंडल बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये मन और ब्रेन, ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करता है, जैसे विचार होंगे उसका जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे हो ना सॉफ्ट, जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में आपने सिम डाल दिया, उसमें आपने पैसे डाल दिए, जैसे चार्ज कहते हैं, चार्ज कर दिया, तो अब उसके थ्रू हमने जो भी ऐप डाला उसमें, तो उसको फिर वो बिना मोबाइल के तो नहीं कर, सिम में खाली सिम में है मेरे पास ऐप है, तो वो तो हम प्ले नहीं कर सकते ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेन चाहिए। तो मन में जो भी इमोशन है, जो भी थॉट है, जो भी हमारे एटीट्यूड है, जो भी हमारे एक्शंस हैं, वो ब्रेन के थ्रू मतलब एक्ट में आते हैं। तो ब्रेन हार्डवेयर हो गया, हमारा जो मन है वो सॉफ्टवेयर हो गया, एग्जीक्यूट ब्रेन के द्वारा करते हैं, बॉडी के द्वारा करते हैं, मन में जो भी कुछ हमारे आता है होता है, फिर एग्जीक्यूट, इसलिए कहते हैं जो हमारे चेहरे पर है, जो मन में है वो चेहरे पर दिखाई देता है, कैसे विचार चल रहे हैं, आप चेहरे से पता लग जाएगा आदमी के किसके अंदर क्या चल रहा है, कैसी भावना है किसी के प्रति, सपोज कोई व्यक्ति जाता है उसकी भावना कैसी है, उसके चेहरा कहते हैं चेहरा
बता देता है सब कुछ, आंखें बता देती हैं सब कुछ, isn't it? जी। है ना, फिल्मों के गीत में भी आता है ना, असली नकली चेहरा है ना, तो अंदर कैसा क्या चल रहा है, तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड ना, तो फेस जैसे वो ना मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तो ये मुखड़ा जो है ना बेसिकली मन है, राइट। चेहरे पे जो आता है वो मन के थ्रू, जो हमारी टीम है ना उसके आधार पे आता है। जब हमारी टीम पॉजिटिव होती है तो हम हल्का महसूस करते हैं, लाइट महसूस करते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई देगी, हम मुस्कुराते हुए रहेंगे। और जैसे हमारा हमारी जैसे टीम नेगेटिव हो जाएगी तो चेहरे पे उदासी होगी, क्रोध होगा या घृणा होगी या ईर्ष्या होगी या डर लगेगा या शक की मतलब स्किजोइड नेचर दिखाई देगी या प्रेशर में आ जाएंगे, टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में आएंगे, है ना, या ईर्ष्या द्वेष दिखाई, कुछ भी ऐसी कुछ नेगेटिव भावनाएं दिखाई देंगी, तो ये जो है हम भारी महसूस करते हैं। इस तरह से मन और मस्तिष्क का फर्क हुआ। तो डॉक्टर साहब आपने तो बहुत अच्छा बताया मन को कि जो गहरे राज है आपने खोले। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मन और मस्तिष्क है जो ब्रेन है, वो दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये कैसे काम करते हैं? देखिए जैसे मन अगर आत्मा जैसे स्ट्रांग है, मन जैसे मन में मतलब पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है और अंदर मेमोरीज ठीक है, तो मतलब मेमोरीज मतलब एक सॉफ्ट कॉपी आत्मा में है, एक हार्ड कॉपी ब्रेन में है, तो अगर दोनों ब्रेन भी फिजिकली नॉर्मल है बिल्कुल, और मन भी ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मैचिंग हार्मनी हो गई, तो बेस्ट मतलब बेस्ट प्रोडक्शन हो गई। बट कई सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पालसी होती है, सेरेब्रल पालसी होती है या और कुछ भी होता है, और भी बीमारी, जैसे हमारे पास एग्जांपल स्टीवन हॉकिंस का है, हालांकि उसका दिमाग जो है उसकी जो बॉडी है वो लगभग पैरालाइज्ड है और ब्रेन भी इतना इफेक्टिव नहीं है, तो आत्मा स्ट्रांग है किंतु वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं बोल नहीं सकते हैं प्रॉपरली, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, किंतु वो बिकॉज आज इंस्ट्रूमेंटेशन इतना स्ट्रांग है कि वो अपने थॉट्स को कंप्यूटर के द्वारा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राइट। तो मतलब वो एक ब्रेन में हार्डवेयर में डिफेक्ट है, आत्मा स्ट्रांग है, तो मतलब कुछ साइंस इसको कुछ कंपनसेट कर पा रही है, पर नॉर्मली अगर दोनों अच्छे हो तभी अच्छी हार्मनी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सब उनको क्या करना है ये तो ऑब्वियसली मन पहले वो डायरेक्शन देती होगी ब्रेन से, फिर ब्रेन, तो माना मन और ब्रेन तो उनका मजबूत होगा तभी वो कंप्यूटर को यूज कर पा रहे हैं, इजंट इट, ऐसा होगा? नहीं, वो कनेक्ट कर देते हैं उनके ना मस्तिष्क से, जो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसके द्वारा वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ओके, मतलब कुछ पार्ट ब्रेन के ठीक नहीं है, जैसे बोल नहीं पा रहे हैं, ओके, तो कुछ ठीक है भी नहीं, कुछ ठीक कुछ नहीं, जो ठीक है उनसे वो काम कर पा रहे हैं, कंप्यूटर से कॉम्पेंसेशन हो जाए। ये मन और मस्तिष्क की हार्मनी होना बहुत जरूरी है जी, दोनों ठीक हो फॉर द प्रॉपर वर्क, प्रॉपर क्या बोलते हैं, एफिशिएंट वर्किंग, पर कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छा समझाया कि ये जो टीम है इसको पॉजिटिव बनाना है, और इसको पॉजिटिव हमें बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो थॉट्स है और उसकी जो इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगी वो अच्छी हो जाएगी और हम हेल्दी एंड हैप्पी फील कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मित्रों, बहुत अच्छी बातें हमारी जो चर्चा रही वो हुई है। हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे आपने कुछ पॉजिटिव मैसेज दिया होगा डॉक्टर साहब, जो हमें बार बार बता रहे हैं कि माइंड जो थॉट्स है उसका इफेक्ट हेल्थ पे बहुत पड़ता है, तो ज़रूरत है कि थॉट्स को हम प्रॉपरली उसको एनालाइज करें और उसको पॉजिटिव बनाएं। तो हमें और भी आगे के हमारे जो एपिसोड्स होंगे उसमें आप डेफिनेटली और भी ध्यान दें और सीखें कि कैसे हम अपने आप को ओवरऑल पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाएं। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ आगे की श्रृंखला में। ओम शांति, नमस्कार।